अभी शांत हो जाओ, नहीं तो तुम सरप्राइज को खराब कर दोगे। सरप्राइज बेन, हम तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एमा, तुम्हें मेरी टोपी की आवश्यकता क्यों है? तुम पर बर्थडे कैप लगाने के लिए। देखो कि हम तुम्हारे लिए कितने केक लाए हैं। आ, मुझे पकड़ो। यह अच्छा नहीं है। तुम मेरे बर्थडे को इस तरह कैसे बर्बाद कर सकती हो? वे केवल चुनौती में खुद को भुना पाएंगे। ओह, यहाँ क्या चल रहा है? मुख्य बात यह है कि हम सब यहाँ हैं। पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पेगेटी कैसे पकाना है, और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पेगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ देखो, अब सब ठीक है। स्पेगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक! बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ, और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पेगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पेगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ, मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ, इस तरह से। देखो जरा सभी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई? बेन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है, इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए। नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिरी डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है, मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वह इसे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे भी गमी बम्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। पर सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी।
तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। ये अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूँगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओ हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है अभी। इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ रही हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूंगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मैं किसे चुनूंगा? ये वाला देखते हैं। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी, आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और यह बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओ वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और यह कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप? मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं चार हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओ वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए दो काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो यह लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है? उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना?
मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया, अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है, यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे, यह बहुत प्यारा होगा। देखो है ना, बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है। टर्न टेबल अगली है, यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुलजाई है दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मल्टी डोज चैलेंज को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको हमेशा सबसे मजेदार हीरोज के साथ सबसे अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे जो हमेशा आपके मूड को ऊपर उठाएंगे।